सो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के कैरेक्टर के बारे में जान चुके थे, पढ़ चुके थे, है ना। आज एक ओवरव्यू देखने की कोशिश करते हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में, है ना। एक आउटलुक देखने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ बेसिस था क्लासिफिकेशन का और क्या कुछ कैरेक्टर था। अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे क्लोरोफाइसी की बात की जगह, तो क्लोरोफाइसी में सबसे पहले पॉइंट पे आ जाइएगा, जस्ट वेट अ लिटिल। हाँ, तो क्लोरोफाइसी की बात कर रहे थे बच्चे, सबसे पहले पॉइंट में इसका नाम दिया जाता है, कॉमन नेम है इसका ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। और इसके अलावा अगर बात कर लीजिएगा स्टोर फूड, तो स्टार्च के फॉर्मेट में सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा, पेक्टोज का बना होगा। फ्लेजेला की बात कीजिएगा, है ना, तो 2 से 8 फ्लेजेला होगा और इक्वल फ्लेजेला होगा। हैबिटेट कैसा होगा, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्टी वाटर में। फियोफाइसी की बात करते हैं, फियोफाइसी की बात कीजिएगा, तो इसको बोल देते हैं ब्राउन एल्गी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन होगा। डन, अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। तो यस, तो बात कर रहे थे क्लोरोफिल पिगमेंट कौन कौन सा होगा, ए एंड सी, इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन देखने को मिलेगा। फूड को स्टोर करता है मैनिटॉल के रूप में, लेमिनेरिन के फॉर्म में, और मैनिटॉल और लेमिनेरिन की बात की जगह दोनों कार्बोहाइड्रेट का ही डेरिवेटिव है, है ना। सेल वॉल की बात की जगह, तो सेलुलोजिक सेल वॉल होता है और सेल वॉल के ऊपर एल्जिन का कवरिंग होता है, एल्जिन इज अ हाइड्रोकोलाइड्स और फाइकोकोलाइड्स। डन, अगले पॉइंट पे बात की जगह, फ्लेजेला 2 था, जबकि आप क्या देखें क्लोरोफाइसी में फ्लेजेला 2 से 8 था और इक्वल फ्लेजेला था और एपिकल फ्लेजेला था, जबकि यहाँ पे 2 फ्लेजेला है और अनइक्वल है और लिटरली अटैच्ड है ना। तो खास फीचर्स आया किसके बारे में, ये क्लोरोफाइसी में खास फीचर 2 से 8 फ्लेजेला और इक्वल फ्लेजेला और एपिकल फ्लेजेला, जबकि फियोफाइसी में 2 फ्लेजेला अनइक्वल है और कैसा है, लिटरली अटैच्ड है। बट हैबिटेट की बात कीजिएगा, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में भी देखने को मिलेगा। हैबिटेट जनरली क्या बोल लीजिएगा, सिमिलर ही है, लेकिन फियोफाइसी का मेंबर जो है फ्रेश वाटर में नहीं देखने को मिलता है और रोडोफाइसी का कुछ मेंबर ही आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। रोडोफाइसी की बात कीजिएगा, रेड एल्गी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, इसके अलावा फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन की बात कर ले सकते हैं। अगला पॉइंट, फ्लोरिडन स्टार्च के रूप में फूड को स्टोर किया जाता है, अगेन अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज रहेगा, पेक्टीन रहेगा और सल्फेट इस्टर रहेगा। तो यहाँ पे सेल वॉल के कंपोजिशन में पॉलीसल्फेट इस्टर देखने को मिलता है, किसमें, रोडोफाइसी में। अगले पॉइंट पे, फ्लेजेला अब्सेंट होता है इसीलिए बोल लीजिए नॉन मोटाइल, और हैबिटेट तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सर्गेसम, ये कैसा होता है, एडेबल एल्गी होता है, है ना। तो 3 एडेबल एल्गी आया, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सर्गेसम। देन दे आर यूज एज सोर्स ऑफ फूड। थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के शेप की बात कीजिएगा, तो 1-2 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहला, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस में देखने को मिलता है, तो बोल लीजिएगा आप क्लेमाइडोमोनास में। डन, ये क्लेमाइडोमोनास की बात कर लीजिएगा, कप शेप क्लोरोप्लास्ट हो जाता है। इसके अलावा एक और याद रखना है, कौन सा, रिबन शेप लाइक क्लोरोप्लास्ट किस में देखने को मिलेगा, स्पाइरोगायरा में। डन, ये स्पाइरोगायरा शेप तो एनसीईआरटी में सब दिया, डिस्कॉइड प्लेट लाइक, कप लाइक, ग्रिडल, रिबन लाइक या स्टिलेट या रेटिकुलेट, सब शेप दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। एग्जाम्पल में बस आपको 2 ही याद रखना है, पहला क्लेमाइडोमोनास कप शेप और दूसरा है आपका रिबन शेप किस में देखने को मिलेगा, स्पाइरोगायरा में देखने को मिलेगा। डन, अब बात कर लेते हैं हैबिटेट ऑफ सम इंपॉर्टेंट एल्गी, जैसे क्लैडोफोरा की बात कर लीजिएगा, तो क्लैडोफोरा किस में प्रेजेंट रहता है, मोलस्क सेल के ऊपर एसोसिएटेड रहता है। और साइनोडर्मा की बात कर लीजिएगा और ट्राइकोफिलस की बात कर लीजिएगा, ये आपको ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये आपको प्रेजेंट रहेगा किस पे, स्लॉथ बियर पे प्रेजेंट रहेगा। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होकर था क्लैडोफोरा और साइनोडर्मा और ट्राइकोफिलस। डन, ये बातें होंगी किसकी, कुछ एल्गी के हैबिटेट की, किस जगह पे रहना पसंद करता है। थैलोफाइटा की बात कर लूँ, मैं आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन जब किया था प्लांट को 2 कैटेगरी में, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा करने का मतलब प्लांट बॉडी अनडिफ्रेंशिएटेड था। सो अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, द ऑल द एल्गी, फंजाई एंड प्रोकैरियोट्स वेयर प्लेस्ड इन थैलोफाइटा बिकॉज देयर बॉडी इज थैलस लाइक।
जितने भी एल्गी थे, फंजाई थे, प्रोकैरियोट्स थे, सबका बॉडी अनडिफ्रेंशिएटेड था, इसलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको किस में रखा गया था, थैलोफाइटा में रखा गया था। इन थैलोफाइटा द मेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड एज एंथ्रीडिया। थैलोफाइटा में मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल देते हैं, एंथ्रीडिया बोल देते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओगोनिया बोल देते हैं। सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस। यूनिसेलुलर क्या होता है, सिंगल सेल का बना हुआ है, तो यूनिसेलुलर, और इसके ऊपर कवरिंग देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप क्या बोल लीजिएगा, जैकेटलेस। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जगह तो ओगैमस होता है, एनिसोगैमस हो सकता है और आइसोगैमस हो सकता है, तीनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, इन थैलोफाइटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू जायगोटिक मियोसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय अगर बात कर लीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जायगोट में मियोसिस होता है, अगर गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होता तो इसको बोल देते हैं गैमेटिक मियोसिस, और अगर गैमेट, दो गैमेट फ्यूज किया है और गैमेट फ्यूज करने के बाद जायगोट बनेगा, इस जायगोट में मियोसिस हो जाए तो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और इस तरह के मियोसिस को क्या बोल देते हैं, जायगोटिक मियोसिस बोल देते हैं। अब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ थैलोफाइटा, सो दे आर नोन एज नॉन एम्ब्रियोफाइटा, है ना। अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, थैलोफाइटा के किसी भी मेंबर में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, और इसीलिए क्या बोल देते हैं, इसको नॉन एम्ब्रियोफाइटा बोल देते हैं। डन। द वर्ड एल्गी रेफर्स टू दोज ऑर्गेनिज्म विच आर यूजुअली एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक थैलोइड बॉडी एंड हैविंग क्लोरोफिल ए, है ना। ये एल्गी का फीचर्स आपको बताया गया है। एल्गी कहने का मतलब, जैसे ही कोई एल्गी नाम लेता है तो सबसे पहले टर्म आना चाहिए आपके मन में, एक्वेटिक हैबिटेट होगा, इसके अलावा फोटोसिंथेटिक होगा, इसके अलावा आप बोल लीजिएगा फोटोसिंथेटिक तो बोल ही दिए, और बॉडी कैसा है, थैलस लाइक है, या बोल लीजिएगा क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है। डन, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा। अब अगला कैटेगरी हमारे पास स्टार्ट होता है, सारी की सारी बातें कर लिए आपसे, किसके बारे में, प्रोकैरियोट्स के बारे में, थैलोफाइटा के बारे में, प्रोकैरियोट्स नहीं, प्रोकैरियोट्स भी इंक्लूड किया गया था थैलोफाइटा में, तो थैलोफाइटा की कहानी खत्म हो गई या एल्गी की कहानी खत्म हो गई। अब अगले पार्ट पे हम लोग आ जाएंगे, ब्रायोफाइट पे आ जाएंगे, है ना। अगर ब्रायोफाइट की बात करते हैं, सबसे पहला लैंड प्लांट जो आया एक्वेटिक सिस्टम से निकल के लैंड पे रहने के लिए, जो सबसे पहला प्लांट आया वो कौन सा था, थैलोफाइटा। तो इसका ऑरिजिन क्या मानेंगे, एक्वेटिक ऑरिजिन ही मानेंगे या पानी से ही इवॉल्व हुआ है, तो इसको एक्वेटिक ऑरिजिन बोल देते हैं। फर्स्ट प्लांट कौन सा आ गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जो लैंड पे रहने के लिए आ गया वो था ब्रायोफाइटा। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम की बात करते हैं। एम्फी कहने का मतलब ड्यूअल, जो लैंड पे भी रह रहा है और वाटर पे भी रह रहा है, वाटर में भी रह रहा है ना, इसको क्या बोल लीजिएगा, एम्फीबियंस, है ना। दे आर फाउंड इन लैंड बट नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब लैंड पे तो रह रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट है, तो दोनों की बात हुई, लैंड पे भी बात हुई और एक्वेटिक सिस्टम में भी बात हुई, टेरेस्ट्रियल भी हो गया और एक्वेटिक भी हो गया, तो दोनों की वजह से इसको बोल दिए एम्फीबियन। ये फर्स्ट लैंड प्लांट तो है बट नॉट कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल लैंड प्लांट, क्यों, इसके पीछे रीजन था, इसमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं देखने को मिलता है, है ना, और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, रूट भी एब्सेंट है और यहाँ पे वाटर का रिक्वायरमेंट भी है फर्टिलाइजेशन के लिए, और बोल लीजिएगा यहाँ पे एब्सेंट होता है वैस्कुलर सिस्टम, इसलिए सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं बोल पाते हैं। अब वैस्कुलर सिस्टम नहीं है तो क्या टॉल हो पाएगा प्लांट, नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, किसका, वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो टॉल ये नहीं हो पाएगा ज़्यादा प्लांट। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट इन ब्रायोफाइट्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस सेल से ही, जैसे यहाँ पे मान लीजिएगा ये पैरेन्काइमेटस सेल है, यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल भरे पड़े हैं, यहाँ से वाटर डिफ्यूज करके इसमें गया, डिफ्यूज करके इसमें गया, डिफ्यूज करके इसमें गया, तो पैरेन्काइमेटस सेल से डिफ्यूज होकर आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रूट आर अब्सेंट, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर मे बी प्रेजेंट, है ना। रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर अब्सेंट होगा, सॉरी रूट अब्सेंट होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, स्टेम अब्सेंट होगा लेकिन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, लीफ अब्सेंट होगा लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर भूल लीजिएगा प्रेजेंट होगा। सीओफाइट्स की बात कर लीजिएगा, वैसा प्लांट जो मॉइस्ट प्लेस पे या सैडी प्लेस पे ग्रो करता है इसको बोल देते हैं सीओफाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं बच्चे, सेक्स ऑर्गन की बात कीजिएगा।
तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन की बात में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, सेक्स ऑर्गन थैलोफोर्टा में कैसा देखे थे, यूनिसेलुलर और जैकेटलेस था, जबकि यहाँ पे कैसा हो जा रहा है, मल्टीसेलुलर और जैकेटेड हो जा रहा है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंथ्रिडियम बोल देते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को ओगोनियम। ओगोनिया बोल लीजिएगा या आर्किगोनिया बोल लीजिएगा, ओगोनिया लेस एडवांस कैरेक्टर और आर्किगोनिया एडवांस कैरेक्टर। तो हम यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं आर्किगोनिया, क्या बोल लीजिएगा, आर्किगोनिया। डन। मेल गैमेट की बात कर लीजिएगा, कॉमा शेप्ड होता है, दो फ्लेजेला है इसलिए बाई फ्लेजलेट बोल दिए, और फ्लेजेला प्रजेंट है तो क्या बोल लीजिएगा, मोटाइल या नॉन मोटाइल। बोलेंगे सर अगर फ्लेजेला प्रजेंट है तो इसको मोटाइल बोलना पड़ेगा। फीमेल गैमेट की बात कीजिएगा तो लार्ज होता है और कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। फर्टिलाइजेशन की बात कीजिएगा तो ऊगैमस है और जूडियोगैमी हो रहा है। ऊगैमस करने का मतलब लार्ज फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है स्मॉल मेल गैमेट के साथ, इसको बोल देते हैं ऊगैमस। जूडियोगैमी की बात करते हैं तो मेल गैमेट ट्रेवल करके आ रहा है फीमेल गैमेट के पास, तो इस तरह के फ्यूजन को आप क्या बोल लीजिएगा, जूडियोगैमी। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा इसलिए इसको क्या बोल देंगे, एम्ब्रियो फाइटा के कैटेगरी में रखेंगे। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे बच्चे कि जाइगोट, जाइगोट का तो फॉर्मेशन हर हाल में होगा ही होगा, लेकिन जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था, सॉरी जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा था इसलिए हम लोग इसको क्या बोल दिए, एम्ब्रियो फाइटा। तो सर नॉन एम्ब्रियो फाइटा किसको बोलेंगे, अगर जाइगोट में तुरंत ही मियोसिस हो जाए, है ना, यहाँ पे मियोसिस हो गया, अगर मियोसिस हो गया तो क्या बोल लीजिएगा, स्पोर बनेगा। ये सारे के सारे स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। क्या ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो इस कैटेगरी का नाम क्या दे दीजिएगा, नॉन एम्ब्रियो फाइटा। क्या बोल लीजिएगा, नॉन एम्ब्रियो फाइटा। अगले पॉइंट पे सुनिएगा, अगर इस जायगोट में, ये जायगोट डिप्लॉयड जायगोट था, मियोसिस नहीं माइटोसिस हो, दो सेल बने और दोनों का दोनों कैसा हो, डिप्लॉयड, दो से चार सेल बने और चारों का चारों कैसा है, डिप्लॉयड हो, है ना, यहाँ पे चार सेल बन रहा है डिप्लॉयड है, तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल बन रहा है ना, सारे के सारे सेल कैसे हैं, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड से इसको पर्टिकुलरली नाम क्या दीजिएगा, एम्ब्रियो। तो जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए जाइगोट में क्या चाहिए, माइटोसिस चाहिए। डन, बातें समझ में आई होगी। अगले पॉइंट पे जाते हैं, लाइफ साइकिल की बात करते हैं, किसकी, ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल की बात करते हैं। तो जब कभी भी लाइफ साइकिल की बात आए ना, तो आप उस जनरेशन की बात की जगह जो डोमिनेट है, तो एल्गी में डोमिनेटिंग फेज कौन सा है, बोल लीजिएगा सर हैप्लोन्टिक या गैमेटोफिटिक जनरेशन। ब्रायोफाइट में कौन है, तो गैमेटोफिटिक जनरेशन ही है, तो गैमेटोफाइट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर देते हैं बच्चे यहाँ पे गैमेटोफाइट को। डन। गैमेटोफिटिक बॉडी मेन प्लांट बॉडी के रूप में अब मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, जिसको एंथ्रिडियम बोल लीजिएगा या एंथ्रिडिया बोल लीजिएगा। दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोल लीजिएगा आर्किगोनिया। एंथ्रिडिया की बात कीजिएगा तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा एंथ्रोजॉइड का, और आर्किगोनिया की बात कीजिएगा तो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा एग का फॉर्मेशन करेगा। डन। एंथ्रोजॉइड की बात कीजिएगा, एंथ्रोजॉइड ट्रेवल करके फीमेल गैमेट के पास आ गया, इसको नाम दे दीजिएगा जायगोट। क्या नाम दीजिएगा, जायगोट। अब जायगोट में माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस के थ्रू क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, और एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होगा, स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट में एक पर्टिकुलर सेल रहेगा जिसको बोल लीजिएगा स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, स्पोरिक मियोसिस हो जाएगा, और मियोसिस के थ्रू क्या बन जाएगा, स्पोर बन जाएगा। डन। अब ये स्पोर हो सकता है डायरेक्ट जर्मिनेट कर ले या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो, है ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो, तो पहला स्टेज कौन सा बनेगा, प्रोटोनेमा स्टेज, और उसके बाद बर्ड स्टेज, और उसके बाद फिर से गैमेटोफाइट। डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो बोल लीजिएगा डायरेक्टली स्पोर से क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। तो दो तरह का डेवलपमेंट आया है, इस डेवलपमेंट को बोल लीजिएगा डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, और इसका नाम क्या दीजिएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नाम दे दीजिएगा। डन। अगले पॉइंट पे जाते बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट इज ओगैमस टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट में कैसा है, ओगैमस टाइप। अब लाइफ साइकिल की बात की जगह तो हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल है ना, हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, एनसीईआरटी लिखता है डिप्लो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल।
एनसीईआरटी हैप्लोडिप्लोंटिक नहीं लिखा है, डिप्लो हैप्लोंटिक लिखा है एनसीईआरटी के हिसाब से। ये डिप्लो सर, तो यहां पे ये वाला चीज गलत लिखा हुआ है क्या? जी नहीं, ये भी सही है सर, तो दोनों सही है, तो कौन सा लाइफ साइकिल होगा? तो वापस सुनिएगा, एनसीईआरटी लिखा है डिप्लो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल विद डिफरेंट टाइप ऑफ मेन जनरेशन। अगर मेन जनरेशन अस्पोरोफिटिक हो जाए तो बोल लीजिएगा डिप्लो हैप्लोंटिक, और मेन जनरेशन अगर गैमेटोफिटिक हो जाए तो आप क्या नाम दीजिएगा? हैप्लो डिप्लोंटिक। सर तो यहां पे तो गैमेटोफिटिक जनरेशन मेन गैमेट मेन प्लांट बॉडी है, तो इसके लिए क्या टर्म यूज करें? इसके लिए आप स्पेशली अगर यूज करना चाहते हैं तो हैप्लो डिप्लोंटिक, एनसीईआरटी ऐसा हैप्लो डिप्लोंटिक का नाम कहीं लिया ही नहीं है, सीधा सीधी बोल दिया है डिप्लो हैप्लोंटिक विद डिफरेंट डोमिनेटिंग स्टेज। देन अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, इन ब्रायोफाइट द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट में मेन जनरेशन कौन सा है? गैमेटोफाइट, तो स्पोरोफाइट को डिपेंडेंट रहना पड़ेगा किस पे? गैमेटोफाइट पे। ये यूनिक फीचर है किसका? ब्रायोफाइट का। इसके अलावा और किसी में ऐसा देखने को नहीं मिलता सर। थैलोफाइटा में भी मिलता होगा, थैलोफाइटा में भी देखने को रियली में देखने को नहीं मिलता है। अगले पॉइंट पे आइएगा, इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला हेपेटिक ऑप्सिडा, दूसरा एंथोसिडोट ऑप्सिडा और तीसरा है ब्रायोप्सिडा। हेपेटिक ऑप्सिडा को हम लोग बोल देते हैं लीवर वर्ड्स, या एंथोसिडोट ऑप्सिडा को बोल देते हैं हॉर्न वर्ड्स, और ब्रायोप्सिडा को बोल देते हैं मोसेस। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हेपेटिक ऑप्सिडा से। हेपेटिक ऑप्सिडा का दूसरा नाम क्या दिए? लीवर वर्ड्स नाम दिए, या इसी का एग्जांपल हो जाता है रिक्सिया, मार्केंसिया और पोरेला। दो एग्जांपल एनसीईआरटी का रिक्सिया एंड मार्केंसिया। अगर प्लांट बॉडी की बात कीजिएगा, मेन प्लांट बॉडी कौन सा? गैमेटोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक जनरेशन कैसा होगा? थैलोइड होगा, लीवर लाइक होगा, फ्लैट होगा, डॉर्सी वेंट्रल होगा, है ना। थैलोइड करने का मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड थैलस लाइक, लीवर लाइक आपको समझ में आ ही रहा है। फ्लैट करने का मतलब ये इस तरह का चिपटा होगा और डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट में डिवाइडेड होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डॉर्सी वेंट्रल, है ना। रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजॉइड बोल लीजिएगा। राइजॉइड यहाँ पे कैसा दिखेगा? यूनिसेलुलर दिखेगा, ब्रांच दिखेगा, जबकि स्केल कैसा दिखेगा? मल्टीसेलुलर देखने को मिलेगा। और लिपी एल्गी कौन सा है? पोरिला, ठीक है, लिपी ब्रायोफाइट पोरिला था। हेपेटिक ऑप्सिडा लिवर वर्ड्स की बात कर रहे थे, तो वेजिटेटिव या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या जिम्मा कप के थ्रू, जिम्मा कप या जिमी फॉर्मेशन। यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अबाउट द कप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, इसी कप लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोल लीजिएगा? जिम्मा कप बोल लीजिएगा। और इसके अंदर छोटे छोटे से ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? जिमी। जिमी मल्टीसेलुलर होता है, ग्रीन होता है, असेक्सुअल बर्ड होता है। जिम्मा कप और जिमी फॉर्मेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मार्केंसिया। इस मार्केंसिया के अलावा किसी में जिमी कप का फॉर्मेशन नहीं होता है। डन, अगले पॉइंट पे जाइएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेम प्लांट बॉडी। अगर सेम प्लांट बॉडी पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही हैं, तो आप ऐसे स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दीजिएगा? मोनोसियस या डायोसियस। सर इसको तो मोनोसियस बोलते हैं, और अलग अलग प्लांट बॉडी पे अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक प्लांट बॉडी पे मेल और दूसरे प्लांट बॉडी पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ऐसे को क्या बोल लीजिएगा? डायोसिस बोल लीजिएगा। अगर बात करते हैं इन मार्केंसिया, एंथिडियम एंड आर्किगोनिया आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट थैलस, और इसी की बात कर लीजिएगा क्या? डायोसिस। तो सर मोनोसियस कौन है? रिक्सिया बोल सकते हैं, है ना, रिक्सिया मोनोसियस, और मार्केंसिया कैसा हो जाएगा? डायोसिस होगा। अब याद रखिएगा, अगर मार्केंसिया की बात कीजिएगा, यहाँ पे आर्किगोनियो आर्किगोनिया दिख रहा है, क्या दिख रहा है? आर्किगोनिया, आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया बियरिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? आर्किगोनिया 4। और इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? जिम्मा कप दिख रहा है, या नीचे की ओर क्या दिख रहा है? राइजॉइड। यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको आप क्या बोल लीजिएगा? एंथ्रीडिया, है ना, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया। और एंथ्रीडिया बियरिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? एंथ्रीडियो 4। और इसमें भी आपको जिम्मा कप। याद करने का तरीका, एनसीईआरटी का डायग्राम है, फ्लावर सा सुंदर दिख रहा है तो फीमेल दिखेगी, और बेकार सा मेकअप नहीं करके कौन चल रहा होगा? मेल। डन, तो यहाँ पे देखिएगा, सुंदर दिख रहा है, दिख रही है तो फीमेल आर्किगोनिया, और बेकार सा दिख रहा है तो मेल कौन सा? एंथ्रीडिया। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, हेपेटिक ऑप्सिडा की बात करते हैं, लिवर वर्ड्स की बात करते हैं, है ना। तो एंथ्रीडिया एक ही प्लांट बॉडी पे एंथ्रीडियम और एक ही प्लांट बॉडी पे आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड और आर्किगोनिया से एक बन रहा है।
एंथ्रोजोआइट ट्रेवल करके आ गया किसके पास, एक के पास, जूडियोगैमी बोल दिए, जायगोट का फॉर्मेशन, जायगोट में माइटोसिस हुआ और बन जाएगा क्या, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो की बात कीजिएगा, ये किसके, किस में डेवलप होगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन के रूप में। स्पोरोफाइट में तीन पार्ट होता है, फूड फूड पार्ट होता है, दूसरा सीटा पार्ट होता है और तीसरा कैप्सूल पार्ट होता है। स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा कैप्सूल, कैप्सूल में आपको देखने को मिलेगा स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, स्पोर का, और स्पोर डायरेक्टली जनरेट करके किसका फॉर्मेशन कर लेगा, गैमेटोफाइट का। स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है, ब्रायोफाइट का डिस्टिंग्विशिंग फीचर है स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है किस पे, गैमेटोफिटिक जनरेशन पे। अगले पॉइंट पे आइएगा, अगर रिक्सिया की बात की है तो स्पोरोफिटिक जनरेशन में फूट सीटा कैप्सूल दिखता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिक्सिया में कैप्सूल देखने को मिलता है, फूट और सीटा अब्सेंट होता है। स्पोर डिस्पर्सल बाय इलेटर्स इन मार्केंसिया, अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। अगर बात कर लेते हैं एंथोसिरोट अपसीडा की, तो एंथोसिरोस की बात कर लीजिएगा, एंथोसिरोस एक एग्जाम्पल हो गया रिक्सिया और मार्केंसिया लिवर वर्ड्स का, और एंथोसिरोट अपसीडा हॉर्न वर्ड्स का एक एग्जाम्पल एंथोसिरोस। प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक जनरेशन, वही प्लांट बॉडी थैलोइड हो जाएगा, फ्लैट हो गया, डॉर्सिवेंट्रल हो जाएगा, राइजोइड यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, कैसा है, यूनिसेलुलर और ब्रांच, स्केल क्या हो जाता है, स्केल बोल लीजिएगा, स्केल अब्सेंट है, स्केल अब्सेंट। डन, अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। रिप्रोडक्शन की बात कीजिएगा, वेजिटेटिव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पे जिम्मी कप का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जिम्मी कप कहाँ पे बन रहा था, जिम्मा कप कहाँ पे बन रहा था, या जिम्मी कहाँ पे बन रहा था, बोल लीजिएगा मार्केंसिया में। फिर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन द सेम थैलस, मोनोसियस या डायोसियस, मोनोसियस बोल लीजिएगा, है ना। ये आपको गैमेटोफिटिक जनरेशन दिख रहा है, गैमेटोफिटिक जनरेशन पे ही आपको क्या दिखेगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन का डेवलपमेंट दिखेगा। वही लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं, ये गैमेटोफिटिक जनरेशन यहीं से स्टार्ट कीजिएगा, फर्स्ट लाइफ साइकिल, एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमेट, एंथ्रोजॉइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एक बनेगा, एक एंथ्रोजॉइड ट्रेवल करके एक के पास आया, जूडियोगैमी बोल दिया, जायगोट का फॉर्मेशन, जायगोट में माइटोसिस, किसका फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो किसके रूप में डेवलप करेगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन के रूप में। तो यहाँ पे दिख रहा है फूट और कैप्सूल देखने को मिल रहा है, स्पोरोफिटिक जनरेशन दिख गया। स्पोरोफिटिक जनरेशन में कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होगा, स्पोर मदर सेल में मियोसिस और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, स्पोर का, और डायरेक्ट जनरेट हो जाएगा किसके रूप में, ये जनरेट हो जाएगा आपको गैमेटोफाइट के रूप में। ठीक है बच्चे, तो मैं आपको दो पार्ट इसका पढ़ा दिया हूँ, बता दिया हूँ कौन कौन सा, एक बोल लीजिएगा रिक्सिया की बात की है, लिवर वर्ड्स की बात की है, और दूसरा बात की है हॉर्न वर्ड्स की। आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।